जब समुद्र के बीचों बीच कोई यूएस नेवी मर जाता है तो समुद्र में दफन क्यों किया जाता है? एक एयरक्राफ्ट करियर लगभग 5000 सेलर के साथ महीनों के लिए मिशन पर निकलता है जो कि काफी वल्नरेबल होती है, इसलिए क्राफ्ट पर किसी के मरने की संभावना अधिक होती है। जब कोई समुद्र के बीच में मर जाता है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन करते हुए उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो नेवल ऑफिसर्स ही करते हैं क्योंकि वहाँ पर मृतक के फैमिली नहीं आ सकते। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति उस दिन की वर्दी में उचित रूप से रेडी होते हैं। जब तक फ्यूनरल चल रही होती है तब तक क्राफ्ट को रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी को उनके फैमिली को नहीं दिया जा सकता। समुद्र में बॉडी को दफन करना अमेरिकी नौसेना द्वारा दिए गए सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। उनके धर्म के अकॉर्डिंग किन्हीं को ताबूतों में बंद करके समुद्र में दफन कर दिया जाता है तो किन्हीं को हिंदू रीति रिवाज की तरह जला के उसके अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। कई बार उनकी अस्थियों को कॉन्क्रीट में मिलाकर एक शेप दिया जाता है, फिर उस शेप को समुद्र में दफन कर दिया जाता है।